तो नसीम सोलंकी जो कि सिसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जीती हैं, शपथ ग्रहण उनका हुआ, विधानसभा में मौजूद हैं। नसीम जी, विधायक नसीम सोलंकी जी, अब आपका आज आप यहाँ विधानसभा आई हैं, माता प्रसाद जी से मिली हैं, शपथ ग्रहण हुआ, सिसामऊ की सीट अब आपकी है, आप विधायक हैं वहाँ से। जो भी चुनाव के दिन हुआ उसके बाद से अभी के दिन में आप अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक जो उस दिन हो गया और ठीक ठाक, आप भी हमारे साथ मौजूद थे और आपने जो चीज़ें कवर करी तो बहुत अच्छी रहा कि राष्ट्राध्यक्ष जी फ़ौरन जो उसको ट्वीट करते रहे तो वो चीज़ें ऑल ओवर सीट मिल गई हम लोगों को। घर की सीट थी तो घर में आ गई, बस इस बात की खुशी है। कितना अंतर आप देख रही थी जीत और हार का? नहीं, कुछ मार्जिन और बढ़ जाता अगर जीत का, पर वो जो चीज़ें आप भी थे सुबह साथ में, तो कुछ वोटर्स नहीं पहुंच पाए, वही एक थोड़ा सा मलाल है। बाकी और बहुत ज़्यादा अंतर से हम लोग जीतते अगर ठीक ठाक वोटिंग होती। सिसामऊ और करहल सपा जीती है, अन्य सीटें कुंदरकी जैसे कि अगर बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, आपको क्या लगता है कि वहां क्यों हार हुई है? अब मुझे इतनी तो नहीं मालूम है जानकारी, पर शायद एरिया बड़ा होगा। या बीजेपी कह रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अब बीजेपी की तरफ खिसक गया है, इस वजह से कुंदरकी सीट बीजेपी जीती। मुझे तो इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, अभी मैं नई नई आई हूँ राजनीति में। बाकी जो कानपुर में माहौल रहा, हालात रहे, मेरे ख्याल से वही चीज़ें वहाँ भी हुई होगी, तो शायद यही वजह रही होगी कि पुलिस प्रशासन से भी का दबाव था। आपने अपने पति की तरफ से जगह ली, आप विधायक बनी है, एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है, आप चुनाव में जब लड़ने उतरी थी और चुनाव जीती, चुनाव जीत का क्या पहला ख्याल आया था जब नंबर्स आए कि अब आप विधायक बन गई? जब चुनाव लड़ने के लिए सोचा था, जब भी हमें इनका ही ख्याल था विधायक जी का, कि जो चीज़ें 2 साल से हम लोग ने झेल रहे हैं हमारा परिवार, तो बस जहन में था कि जो चीज़ें हुई है वो परिवार ने जो झेला है, और बाकी 2 साल से देखिए शहर में भी कोई, मतलब सिसामऊ में भी कोई विधायक नहीं था तो काम भी नहीं हुआ, तो वो बहुत सारी चीज़ें मिली जुली एक चल रही थी कि हमारे परिवार ने भी झेला है 2 साल से, और विधायक जी भी बिना कसूर के जो है सीट खाली कराई गई, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पर जैसे जीते तो अब लग रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अब हमको जो चीज़ें जहाँ से छूटी थी हमको वहीं से शुरुआत करनी है। संभल में घटना हुई है, आपने देखा किस तरह से सर्वे के बाद तमाम चीज़ें हुई, हिंसा हुई है, मौतें भी हुई हैं, कैसे आप पूरे मामले को देखती हैं? हम समझते नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जिंदगी से होता है, जिंदगी का नुकसान होता है चाहे जो भी हो। अब जो लोग वहाँ पर, कुछ लोगों को गोली भी लगी है, कुछ शायद मौतें भी हुई है, तो नहीं होना चाहिए, तो अमन चैन बना के रखे। और मैं अभी सरकार के लिए तो मुझे ज़्यादा बहुत नहीं मालूम है, पर राष्ट्राध्यक्ष जी काफ़ी उस पर कह चुके हैं, तो हम तो बस यही कहेंगे कि हर जगह अमन चैन बना रहे, क्योंकि जो है उनका भी परिवार होता है, जो अगर चाहे जो भी इंसान को गोली लगे या जो जाते हैं तो उनका परिवार होता है, तो मैं सबसे कहूँगी कि अमन चैन बना के रखें, और सरकार भी चीज़ का रखें कि सबको अमन चैन बना के रखें, बस यही। पोस्टर भी लगाने जा रही है? अब मुझे इसके ज़्यादा मुझे अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नसीम सोलंकी विधायक सी हैं कानपुर से, और इन्होंने साफ कहा है एक बड़ी जीत थी और संभल में जो चीज़ें हुई वो शायद नहीं होनी चाहिए थी और अमन चैन वहाँ बरकरार रहना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समाज श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।